What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 13 फरवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। कल जैसे कि आपने देखा, ये कल का पिक्चर है, यानी 12 फरवरी आफ्टर मार्केट RCI पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,126 के पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स हमारा जो सेकेंड टारगेट हमने एनालिसिस किया था उसी के पास ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती कोई, जो हमारा प्री प्लान था मार्केट ओपन होने से पहले उसके हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर से एग्जैक्ट जो हमें ट्यूसडे को देखने में मिला था उसी तरह मार्केट ऊपर ओपन हुआ और नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, और 10 बजे के बाद एक साइडवेज पैटर्न में ये लगभग ट्रेड हो रहा था। तो ऐसा पैटर्न जब भी आता है तो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे पैटर्न में ट्रेड करना। तो लाइव मार्केट में भी ये जो साइडवेज पैटर्न था काफ़ी मुश्किल था ट्रेड करना। तो कल के इस प्री प्लान एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल भी यहाँ पर नहीं बन रही थी। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल भी US मार्केट्स देखे तो डाउ जोन्स और नासडैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नासडैक ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था, 87 पॉइंट के बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए। आज एशियाई मार्केट जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। जापानीज इंडेक्स देखे तो हल्की सी बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है, और चाइना मार्केट भी निगेटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 73 पॉइंट की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA, अपस्टॉक्स और 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल ID के अंडर अगर आप ओपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। आपको जस्ट करना क्या है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसको आपको फॉलो करना है। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि क्लाइंट आईडी को कंफर्म कर सके, उसके बाद आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रेडिंग फैब का इंट्रो। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट वीक ये जो बुलिश कैंडल्स दिखाया था ये 50 EM में से इसने बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन इसका ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक है रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। कल भी एग्जैक्ट इसके हाई के पास आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है इस बेयरिश कैंडलस्टिक का। अभी 2 दिन बाकी है ये वीक खत्म होने में, तो इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू देखने को मिले। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अभी कल जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था RSI में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है बियरिश टू बुलिश। तो ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और ये हो सकता है राइट शोल्डर। ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो अभी नेक लाइन बना है इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। तो इस लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो जबरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी यहाँ पर एक हाई लो स्विंग हाई लो क्रिएट हुआ है, ये देखिए। अगर हम यहाँ पर अगर इसे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करें, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 38.2% का ये जो लेवल था इसी के पास आके ये इसने कल क्लोज दिया है। तो इसके ऊपर अगर आज सस्टेन करता है 1 आवर तो हमें 50% के लेवल है 12,263 ये अचीव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में देखिए एशियाई बाजार आज सुबह थोड़े कमजोरी के साथ खुले हुए,
तो हो सकता है कि ये जो कल का बुलिश कैंडल बना है तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे और एंड ऑफ द मार्केट आज यहाँ पर फिर से एक बार तेजी देखने को मिले। तो अगर यहाँ से ये इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 50% का हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट हो सकता है, रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। इसी के पास पास्ट में अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर, तो इसी लेवल के पास पास्ट में इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर। तो अराउंड 50% के लेवल के पास यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है ऊपर जाते वक्त। निफ्टी इस लेवल को भी अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक स्विंग हाई लो बना है ये ऐसे। तो इस स्विंग हाई लो को पकड़ के अगर हम यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, ये लो, ये हाई और ये लो, तो आप देख सकते हैं कल का ये जो फर्स्ट आर का कैंडल बना था इसका हाई एग्जैक्ट 12,211 था। तो 61.8% का ये जो लेवल था कल जबरदस्त ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, हालांकि पेनेट्रेट होके फिर से इसके नीचे आके ये क्लोज हो रहा था। तो नीचे फिलहाल अभी यहाँ पर 12,190 का कल सपोर्ट बना था, ये साइडवेज जो पैटर्न चल रहा था कल फर्स्ट आर के बाद। तो 12,190 के नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक बार करेक्शन होता हुआ निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर कल का हाई अगर ब्रेक करता है, जैसे कि हमने डेली चार्ट में देखा वहाँ पर फिबोनाची 38.2% का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव आता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी हमें टुवर्ड्स 50% का जो फिबोनाची लेवल था एक्सटेंशन लेवल, वहाँ पर निफ्टी इंडेक्स पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो साइडवेज पैटर्न बना था इसका लो अगर ब्रेक करता है यानी 12,187 के नीचे अगर चला जाता है तो ये हम इंट्राडे के लिए आज शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,172, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये स्विंग हाई जो पास्ट में बना था 12,156, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था 12,218 को अगर ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी इसे पहले मार्क कर देते हैं, ये हमारा आज के लिए हो सकता है ब्रेकआउट लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,232, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा, पास्ट में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था 12,246, तो 12,246 हमारा होगा सेकेंड टारगेट। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।